बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। व्यास आसन पर विराजमान अनंत श्री विभू से समलंकृत विशुद्धानंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर परम सिद्धे महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए कथा पांडाल में समुपस्थित सभी भगवत प्रेमी बंधुओं, श्री राम कथा के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज की सुंदर सान्निध्यता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की चारुचरितावली का आप श्रवण दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सनातन धर्म के ऐसे पावन दो ग्रंथ हैं जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। एक तो भागवत है, जिस भागवत के माध्यम से जीने की कला जीवन में आती है, मरना सिखाती है भागवत, कैसे मृत्यु को सुधारना चाहिए। आप पूज्य महाराज श्री से कई बार भागवत का श्रवण कर चुके, महाराज परीक्षित ने कैसे अपनी मृत्यु को सुधारा, कैसे गुरु की शरण में गया, जिनके माध्यम से 7 दिन तक उनको भागवत की कथा सुनने का सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा ग्रंथ है रामायण। रामायण हमारे जीवन में जीना सिखाती है, हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के प्रति या माता पिता के चरणों के प्रति कैसा प्रेम रखा, कैसी मर्यादा का पालन किया, ये जो है ग्रंथ रामायण के माध्यम से समाज में शिक्षा प्रदान करता है। बहुत सुंदर पावन कथा यहाँ पर चल रही है स्वामी जी महाराज की सुंदर सान्निध्यता में। पूज्य महाराज श्री की वाणी को हम सभी श्रवण करते हैं और करते रहें, ऐसी भी कामना करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार सुन लिया, नहीं, बार बार सुनना चाहिए कथा को, बार बार संतों की संगति करना चाहिए, बार बार महापुरुषों की संगति करना चाहिए। एक बार सुन करके घर मत बैठो। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय चित्रकूट के लिए जाने लगे, वाल्मीकि जी से पूछा, बताओ मैं कहाँ रहूं, यहाँ नजदीक में यदि कोई बड़ा आश्रम हो या कोई तीर्थ स्थल हो तो मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर बताया, महापुरुष बहुत सुंदर बात बतलाते हैं, बोले ऐसा करो कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जो सदैव तुम्हारी कथा को सुनते रहें उनके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। ये भगवान की कथा जिसके हृदय में है, महापुरुषों की वाणी जिसके हृदय में है, उसके जीवन में भगवान का साक्षात्कार होकर के ही रहता है। आइएगा, ले चलेंगे सभी भक्तों को पूज्य स्वामी जी महाराज की सुंदर सान्निध्यता में, यहाँ पर रामचरितमानस का पूजन होगा। आज के मुख्य यजमान सभी मंच पर आएंगे, श्री जगत राणा जी, श्रीमती मिन्नी जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्रीमती राजश्री जी, श्री योगेश जी, श्री नीरज जी, श्री राजेश राणा जी, श्रीमती सुनीता जी, श्री प्रवीण कुमार जी, श्रीमती पूजा जी, आप सभी आज के मुख्य यजमान हैं। सभी शीघ्रता से मंच पर आएं, श्री रामचरितमानस का पूजन करें। व्यास आसन पर विराजमान पूज्य महाराज श्री का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद में सभी राम कथा की इस पावन सुरसरी में अवगाहन करेंगे, इस पावन कथा का दिव्य रसास्वादन करेंगे। इससे पूर्व सभी रामचरितमानस का पूजन करें। पांडाल में भी उपस्थित सभी भक्तगण दोनों हाथों को वहीं से जोड़ें, मानसिक पूजन करेंगे। हरि ओम मा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि आचमनम कृत्वा ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः त्राचंब्यो गोविंदेति हस्तौ वृक्षाल्यं ऋषिकेशाय नमः ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्षप्पुनातु 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 माम हस्ते अक्षतपुष्पाण्णादायो श्री सीतारामचन्द्रौ ध्यायेत।
ओम ध्याये दाजानुबाहुं धृतसरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीता मुखकमलमिलिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतु मुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम् ॐ भगवते श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, पाद्यर्घे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ देवसत्त्वासवितुः वृषभे सिनोर्बाहुभ्यां भूषणोऽवस्थाभ्यां मा एतानि पाद्यर्घे स्नानीयं जलं समर्पयामि। जलोपरान्ते वस्त्रं निवेदयामि। ॐ शीतवातोर्णसन्त्राणां लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रोमता शान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रं निवेदयामि, वस्त्रोपरान्ते गन्धं विलेपयामि। ॐ मा त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदेशो मोराजाविद्वानक्षमादमुच्यत गन्धं विलेपयामि। गन्धान्ते यक्षितानि समर्पयामि। ओमक्षन्नमि मदन्ति यव प्रिया अधूकतो अस्तौ खदसुभा नभो विप्रानविष्टयामति योजानमिन्द्रते हरि अक्षितानि समर्पयामि। अक्षितान्ते पुष्पाणिं परिकल्पयामि। ॐ माल्यादीन सुगन्धीनि मालित्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणिं निवेदयामि। पुष्पोपरान्ते दूर्वाङ्कुरानि समर्पयामि। ग्रन्थोत्तमाय नमः, श्रीमन्मानसरामचरिताय नमः। एतानि दूर्वाङ्कुरानि समर्पयामि, सुगन्धिद्रव्यं निवेदयामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दिनान्मृतोर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिद्रव्यं निवेदयामि। सुगन्धिद्रव्योपरान्ते मनसा धूपं दीपं परिकल्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायासेदं तर्षगुं शेष्णोर्दौः समावर्तत पदव्यां हों प्रदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तराच्मनीयं जलं समर्पयामि। जलोपरान्ते कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां च समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यो वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्यो तं वन्दे रघुनन्दनं भगवते श्रीसीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। तथा च हनुमत्पूजनम् ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं शकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहनुमते नमः, आञ्जनेयाय नमः, पवनपुत्राय नमः। एतानि सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। तथा च सद्गुरुपूजनम् सद्गुरुदेवाय नमः, परं गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्युवाहोरपरो हरे अभालोचनासंबुरु भगवान् बादरायण देयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सद्गुरुभ्यो नमः, परं गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सभी यजमानों के द्वारा श्री रामचरितमानस का पूजन हुआ, पूज्य महाराज श्री का पूजन संपन्न हुआ। पूजनोपरांत कुछ भक्त महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी यजमानों को या पधारे हुए सभी भक्तों को पूज्य महाराज श्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद। स्वागत की श्रृंखला में जो भी भक्तगण हमारे बीच में हैं, सर्वप्रथम श्री जगवीर जी जो कि पालम बिहार से हैं, मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री सुरेश अग्रवाल जी सह परिवार रोहिणी दिल्ली से हमारे बीच में हैं, मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री यशपाल शर्मा जी आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
इसी श्रृंखला में श्री सेठ गौरी शंकर जी जो कि दिल्ली से हमारे बीच में हैं, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री श्रीमती अनीता चौधरी जी जींद हरियाणा से एवं श्री राकेश जी जींद हरियाणा से हमारे बीच में हैं, मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में श्री आशीष अग्रवाल जी, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री विनोद अग्रवाल जी की धर्मपत्नी जी, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ममता जी जो कि पीतमपुरा दिल्ली से हमारे बीच में हैं, मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी वेला में श्री भागल सिंह जी, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री यशपाल राणा जी जो कि यहीं बिजवासन से ही, आप मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बलराम खत्री जी, श्री बलराज खत्री जी, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती संतरा खत्री जी, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री डॉक्टर अजय खुराना जी हमारे बीच में हैं, आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। स्वागत की वेला को विश्राम देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की उस पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे जिस कथा की प्रतीक्षा हम सभी भक्तगण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की वाणी को श्रवण करने के लिए हम सभी भक्तगण लालायत हैं। पूज्य महाराज श्री की वाणी को श्रवण करें, इससे पूर्व सभी भक्तों से निवेदन है, जैसे कि कल पूज्य महाराज श्री ने आप सभी भक्तों को कथा के माध्यम से और गौ सेवा का जो एक लक्ष्य बताया, उस लक्ष्य को हम सभी भक्तों को ये बात विदित है, हम सभी भक्तगण ये जानते हैं कि महाराज श्री ने जो संकल्प लिया है, देखो एक तो गाय माता है और दूसरे रामायण की कथा को भी गोमाता कहा है। राम कथा सुर धेनु सम, ये रामायण की जो कथा है वो भी सुर धेनु सम, वह भी गाय के समान है। राम कथा सुर धेनु सम, ऐसी सुर धेनु का और ऐसी गोमाता जो इस धरा की माँ है, आज वह माँ जगह जगह आज कूड़े खा करके कचड़ा खा करके आज वह बीमार है, ऐसी गौमाता की सेवा करने का, ऐसी गौमाता को स्वस्थता प्रदान करने का जो संकल्प महाराज श्री ने लिया है, एक हॉस्पिटल ऐसा बने जिसमें असहाय बेसहारा गायों का इलाज हो सके, गायों को स्वस्थ जीवन मिल सके, तो जो संकल्प लिया है ऐसे संकल्प में हम सभी आगे आए, हम सभी भागी बने और गौ सेवा करके अपने आप को कृतार्थ करें। गौ सेवा का बहुत अधिक महत्व महाराज श्री ने आपको कल बताया भी, और मुझे भी एक स्मरण है वह बात, मैं दो मिनट में ही अपनी बात को पूरा करूंगा। अखंडानंद आश्रम में संत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जो कि गौ सेवा करते थे, ओंकारानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद में संत सच्चिदानंद जी को ही उस गद्दी पर बैठाला गया, क्योंकि ओंकारानंद जी को स्वप्न आया, बोले इन्होंने गौसेवा अधिक की है, ऐसा उनको लगने लगा स्वप्न में कि गायें चारों ओर से हमको ये कह रही हैं कि आज यदि इस आश्रम के यदि कोई पदाधिकारी या आश्रम का कोई संभालने वाला है वह है गोभक्त केवल सच्चिदानंद जी महाराज। तो वर्तमान में सच्चिदानंद जी महाराज को अखंडानंद आश्रम का पदाधिकारी जो है घोषित पूर्व में आज के 4 साल पहले कर दिया है। कहने का तात्पर्य इससे आप ये ना समझें कि गौसेवा आपकी व्यर्थ जाएगी, नहीं, गौसेवा का एक एक रुपया आपका दिया हुआ, एक एक रुपया सत्कारी में पूज्य महाराज श्री को दिया हुआ आपका एक एक पैसा सुंदर कार्य में गौसेवा में ही लग रहा है, ऐसा मान करके हम सभी तन मन धन से जो जिस योग्य हैं उस योग हम सेवा करें।
इस हॉस्पिटल में हाथ बढ़ाएं और जो भी भक्तगण दान देना चाहते हैं, आज तो परम सौभाग्य है आप लोगों का, आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी यानी गौ माता का एक पर्व, जिस पर्व में गो अष्टमी के दिन जो भी गौ माता के निमित्त दान देते हैं उनका दान परम अक्षय माना जाता है, उनका दान कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसे हम सभी भक्त मिलकर के गौ माता की सेवा करें। जो भी दानदाता हैं यदि दान देना चाहते हैं तो पीछे कार्यालय में भाई राजेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनको दान दे करके रसीद प्राप्त करके और अपना नाम लिखवाएं। इस मंच के माध्यम से आपका नाम बोला जाएगा, मंच पर बुला करके महाराज श्री के आशीर्वाद से लाभान्वित कराया जाएगा। आइएगा ले चलेंगे सभी भक्तों को पूज्य महाराज श्री की सुंदर सान्निध्यता में। एक बार जोरदार ताली बजाएं, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें, प्रार्थना करें कि पूज्य महाराज श्री हम सभी भक्तों को आज की ज्ञान गंगा में अवगाहन करा करके हम सभी के जीवन को धन धन्य करें। परम श्रद्धेय महाराज श्री। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणं प्रपद्ये।
करता thank you.
मिठाई अपने हाथ में। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। ओहो जब मैं भूल भुलैया बीच भंवर में अटकी नैया बीच भंवर में अटकी नैया बीच भंवर में अटकी नैया राम रमैया